साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में बड़ा हादसा हुआ। यहां रिजल्टा प्रांत में एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 8 बताई जा रही है। मलबे में अभी भी कई लोग दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि अधिकारी ने बताया कि भारी बारिश के बाद रिसाल्जा प्रांत में भूस्खलन हो गया। बस के साथ कुछ अन्य गाड़ियां भी मलबे में दब गई। बस केली शहर से चोको प्रांत के कंडोटो शहर जा रही थी, तभी प्लूब्लो रिको और सांता सिसोलिया के बीच यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि कोलंबिया में पहले एक कार हादसा का शिकार हुए थे लोग और इसके चलते रास्ता बंद हो गया था और पीछे आ रही गाड़ियां रुक गई। हादसे के बाद एक जीप बस और मोटरबाइक यहां रुकी हुई थी, तभी अचानक से लैंडस्लाइड हुआ। मलबा इतनी तेजी से नीचे आया कि कोई भाग नहीं पाया। बस में 2 ड्राइवर थे और कई यात्री भी सवार थे।